नमस्कार, स्वागत है आपका अनोखी आवाज न्यूज में। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ मैं पंकज तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं। बदनाम सामी को पद्मश्री देने पर भड़की एनसीपी, बोले कोई पाकिस्तानी भी जय मोदी बोल दे तो उसे मिल जाएगा सम्मान। पाकिस्तानी मूल के गायक अजनान सामी को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर कांग्रेस के बाद एनसीपी ने भी विरोध जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि जो भी पाकिस्तान से जय मोदी बोलेगा उसे भारत की नागरिकता के साथ पद्मश्री सम्मान भी दिया जाएगा। यह देश के लोगों का अपमान है। कांग्रेस ने भी पद्मश्री सम्मान के लिए अदनान सामी के चयन पर नाराजगी जताई है। वहीं पर सीए के खिलाफ अमेरिके में प्रदर्शन, अमित शाह पर बैन लगाने की मांग। अमेरिका में रविवार को भारत के 71वें गणतंत्रता दिवस के जश्न नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते फीका पड़ गया। अमेरिका के विभिन्न शहरों में रविवार को भारतीय अमेरिकियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि संशोधित नागरिकता कानून 2019 के समर्थन में भी रैली निकाली। वहीं पर लोग सामने आए, उनका कहना था कि भारत के पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की परवाह है और सीए का भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा समर्थक है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तुलना में काफी कम थे जिन्होंने भारत के धर्म निरपेक्ष ताने बाने पर खतरा मंडराने की बात कही है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर भड़का गुस्सा। दिल्ली के शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग में भारत को तोड़ने वाला प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदर्शन होना चाहिए, इस प्रदर्शन के पीछे कौन है यह सामने आना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संघ का आर्मी स्कूल अप्रैल से शुरू होगा। संगठन ने कहा राष्ट्रभक्ति पर फोकस, कोई इसे हिंदुत्व से जोड़े तो यह उसकी समस्या है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्मी स्कूल का पहला सत्र अप्रैल से शुरू होगा। यह संघ द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला स्कूल है जहां पढ़ने वाले छात्रों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि यह शिक्षा का आधार संस्कार संस्कृत और समरसता का भाव होगा। न्यूज एजेंसी INNS ने जब उनसे सवाल किया कि क्या संस्कृति और समरसता के पाठ को हिंदुत्व की शिक्षा माना जाए तो उन्होंने जवाब दिया हमारा फोकस राष्ट्रीय भक्ति पर है, अगर कोई इसे हिंदुत्व से जोड़ता है तो यह उसकी समस्या है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें अनोखी आवाज न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।